हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप सबको पता होगा कि मेरा जितना भी वीडियो आता है सऊदी अरबिया ट्रैफिक रूल्स अपडेट लेकर के आते रहता हूँ। और इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है सऊदी अरबिया ट्रैफिक रूल्स अपडेट के ऊपर, उसमें मैंने बताया है बड़ा बड़ा फाइन, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब 20,000 रियाल से स्टार्ट होता है, 60,000 रियाल में जाके खत्म होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत छोटा वाला, छोटा गलती छोटा फाइन। वो कौन सा है? 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का इसका फाइन आता है। वो कौन सी गलती है साथ, ऐसा चलिए जानते हैं इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू मेरे चैनल पे। और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो करते हैं वीडियो को शुरू मेरे चैनल पे। पहला नंबर पे है गाड़ी का हॉर्न बजाने का एक सही तरीका होता है, ठीक है। हल्का सा ऐसा रखिए, टी हो गया। ऐसा नहीं, इंडिया नहीं है भाई कि हॉर्न पे हाथ रख दिए पी बज रहा है एकदम लंबा, तो इसमें भी आपका 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन आ सकता है। ये बात को आप ध्यान में रखें, ये इंडिया नहीं सऊदी है, ठीक है। यहाँ पे फाइन आता है छोटा से छोटा गलती पे, इस सब चीज को कभी भी ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर पे ये आता है कि गाड़ी चलाते समय किसी, अगर आप नाक में उंगली कर रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और अगर सुरता का नजर पड़ जाता है, तो इसमें भी आपका 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन दे देगा। तो कभी भी ये सब चीज पे ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर पर, गाड़ी चलाते समय गाड़ी का डिस्टेंस मेंटेन करना, डिस्टेंस रखना, ठीक है। आपको इतना डिस्टेंस लेके चलना है कि गाड़ी चलाते समय कम से कम आपका गाड़ी का डिस्टेंस होना चाहिए, अपना आगे का गाड़ी और आपका गाड़ी जो है इसके बीच में जो फासला होता है मिनिमम 2.5 से 3 मीटर तो होना ही चाहिए। अगर आप गाड़ी को चिपका के चलाते हैं तो इसमें भी आपका 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन आ सकता है। तो ये सब चीज़ को कभी भी अपना जहन में रखे बिठा के भाई, नज़रअंदाज अगर आप कर जाते हैं तो छोटा सा गलती मगर फाइन आना है। तो ये सब चीज़ को कभी भी अपने दिमाग में बिठाए रखें। उसके बाद बात करते हैं चार नंबर पे ये है कि गाड़ी चलाते समय रात को अगर आप हेडलाइट जलाते हैं तो हेडलाइट जलाने का मतलब वो बड़ा वाला जो दूर तक लाइट जाती है ना जिसका रोशनी, वो वाला अगर आप जला के चलाते हैं गाड़ी को तो उसमें अगर आपको सुरता वाला देख लेता है, वो वाला इमरजेंसी कहीं भी मतलब ऐसा सन्नाटा रोड पे अंधेरे में जा रहे हो बिल्कुल अंधेरा है तो आप जला सकते हैं उसको, नहीं तो उसको सिटी के अंदर में नहीं जलाना है। और वो लाइट को जलाने से आपका 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन आएगा अगर सुरते का नज़र पड़ गया तो, ठीक है। वो गाड़ी है पासिंग के लिए, अगर आप किसी गाड़ी के आगे निकलना चाह रहे हैं, आप पास मांग रहे हैं उससे, तो हल्का सा उंगली से ऐसे इशारा कर दीजिए, वो जल जाता है, फिर उसको छोड़ देने पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसको जला के कंटिन्यू नहीं चलाना है, नहीं तो आपको 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का इसका भी फाइन भरना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं पांचवें नंबर पे है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो उसमें भी आपका जो है 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं छह नंबर पे गाड़ी चलाते समय अगर बिना सीट बेल्ट लगाए आप गाड़ी चलाते हो और अगर आपको सुरता देखता है या कैमरा फ्लैश करता है तो इसमें भी आपका 100 रियाल से लेकर के 300 रियाल तक का फाइन आता है। तो ये सब चीज़ को कभी भी अपने जहन में रखें। उसके बाद बात करते हैं भाई सबसे लास्ट सातवें नंबर पे ये है कि गाड़ी चलाते समय बिना वजह ब्रेक लगाना या गाड़ी को ब्रेक लगा के टायर को घसीटना, ठीक है। अगर इस तरह से करते हुए आपको सुरता देख लेता है तो आपको जो है 300 रियाल से लेकर के 500 रियाल तक का फाइन दे देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मस्ती नहीं करना है गाड़ी चलाते समय, नहीं तो भाई आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।